जय श्री महाकाल। हम तांत्रिक दुर्वासा। आज उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा। उन लोगों को, सभी को मैं बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बारंबार फ़ोन आ रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि शक्तियाँ जो है बिकाऊ हैं, यानी कि इनको पैसे के दम पे खरीद लिया जाता है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि एक आध दिन में सिद्धि मिल जाए, हमको साधना मिल जाए, ट्रांसफ़र मिल जाए, हम जो चाहें वो कर लें। और लेकिन उनको ये नहीं पता है, उनको ये उनकी औकात में नहीं, अपनी औकात पता नहीं चलती है कि भाई जो सालों से जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी तंत्र को दे दी है, जो साधक है कोई भी है सीख रहा है, तो इतना वो समझ के रखा है कि कोई भी ट्रांसफ़र है चंद रुपयों में, कोई शक्ति जो है हमारे पास आ जाएगी एक दो दिन में। और अगर साधना का नाम लेते हैं उनके पास, तो उनका बैठने का मन नहीं करता साधना में। ऐसे लोगों को मैं ट्रांसफ़र नहीं देता हूँ। मेरे पास ऐसा व्यक्ति कोई ना आए जो मुझे, जो कहता है कि ट्रांसफ़र मुझे लेना है, बस मेहनत नहीं करनी कुछ भी। क्योंकि ट्रांसफ़र तब दिया जाता है कि जब आपके पास बिल्कुल भी समय ना हो। मैं ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफ़र देता हूँ जिसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, वो नहीं कर सकता साधना, उसके दिन बहुत ही बुरे बीत रहे हैं, दर दर का मोहताज हो गया है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बेटियों की शादी करनी है उसने। ऐसे व्यक्तियों को मैं ट्रांसफ़र देता हूँ। और जो लोग 20-20, 22-22, 24-24, 25-25 साल इतने जो लौंडे हैं, वो फ़ोन कर देते हैं कि हमें ट्रांसफ़र चाहिए, मैं उनके लिए ट्रांसफ़र देने के लिए नहीं बैठा हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में ट्रांसफ़र के बारे में आपको समझाया था कि हर किसी को ट्रांसफ़र नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि एक ही शक्ति को हम 10 या 15 लोगों में बांट देंगे। अगर एक शक्ति है तो एक को ही हम दे सकते हैं। और वो होता है कि कोई बहुत दिक्कत में है, तब किसी को ट्रांसफ़र दिया जाता है, कैसे भी करके दें, लेकिन उसको ट्रांसफ़र मिलता है। अगर सभी लोग बोलें कि लो जी पकड़ो पैसा और हमें ट्रांसफ़र दे दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो वो ध्यान से कान खोल कर सुन लें, वो ये ट्रांसफ़र की ताक में इधर उधर भटक रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, आपको किसी भी जगह से ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा जो ट्रांसफ़र के बारे में ही लगे रहते हैं। ये बहुत ही किस्मत से मिलता है, कोई गुरु आपसे खुश हो तो मिलता है ट्रांसफ़र। जहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पैसों के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत मोटा पैसा लेके आपको ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ये मेरी द्वारा बताई गई है कड़वी सच्चाई है। और इस सच्चाई को जो है अपने अंदर उतारें। ऐसा नहीं है कि मैं सबको ट्रांसफ़र नहीं दे सकता हूँ, हालांकि जितने भी लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं मैं सबको ट्रांसफ़र दे सकता हूँ, हम में उतनी औकात है। लेकिन हम जो फ्री बैठा है, जिसको ये है कि ट्रांसफ़र मिल जाए, शक्ति का दुरुपयोग करें, किसी औरत पे ट्राई करें इसको, किसी लड़की पे करें, किसी शत्रु को या किसी बिना वजह किसी को तंग करें शक्तियों से, ऐसे व्यक्ति को तो ना मैं साधना देता हूँ ना ही मैं ट्रांसफ़र देता हूँ। ये व्यक्ति मेरे चैनल से दूर रहें। मुझे अपने चैनल पर ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से कोसों दूर भाग जाएँ यहाँ से, क्योंकि मैं कथा बर्दाश्त नहीं करता हूँ मैं ऐसे व्यक्तियों को। मेरे साथ जिसने भी जुड़ना है वो सही व्यक्ति जुड़े, ना कि बेवकूफ़ और अय्याश लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ें। क्योंकि अगर आपको साधक बनना है फिर ही हमारे चैनल के साथ जुड़ो। ये सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि जो लोग आगे बढ़ सकते हैं वो बढ़ें। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना तो उन्होंने खुद साधना करनी होती है और ना किसी को करने देंगे, वो उसको 10-4-5 बातें सुना के उसका भरोसा, मतलब कि उसका जो विश्व एक मन में होता है कि मैंने साधना करनी है, विश्वास होता है कि मैंने साधना करनी है, उसको तोड़ देते हैं वो,
उस हौसला जो उसके अंदर होता है उसको तोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति से सख्त नफरत है हमें। तो जिसने भी साधक बनना है वो किसी की बात ना सुने, अगर सुननी है तो साधक की सुने। जो अय्याशी व्यक्ति है उसके साथ बंद कर दें, क्योंकि कई लोग जो है हमारे चैनल से ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, वीडियो आती रहेंगी ऐसे ही। और आप लोगों को, जो साधक लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ, ये साधक लोगों के लिए मैं बोलने जा रहा हूँ। जो साधक लोग हैं मेरे, आप लोग जी जान लगा के अपनी साधना करो और बाद में आगे जाके कुछ ना कुछ दिखाओ। आप साधक लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने मेरे से साधना ली हुई है या दीक्षा ली हुई है, या मेरे गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो, उनके लिए भी है। भी आप कर लें, आगे बढ़ें, क्योंकि समय बहुत ही गड़बड़ दिन ब दिन आता जा रहा है। आपको समाज की रक्षा करनी पड़ेगी आगे जाके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेके आते हैं आपके लिए कोई नई जानकारी। नमस्कार।